हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SB ओरिजिनेशन। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी की पैंटीज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। हमें ये पैंटी बनाने के लिए स्क्वायर शेप का कपड़ा लेना है, जिसकी विड्थ रहेगा 14 इंच और लेंथ भी रहेगा 14 इंच, जैसे एक रुमाल होता है इस तरह। अब इसे हम ट्रायंगल शेप दे देंगे। ट्रायंगल शेप देने के बाद और एक फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसकी मेजर करेंगे। पहले हम नीचे में 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब नीचे से ऊपर तक हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब 7-8 कुछ भी रख सकते हैं। अब इस लाइन को हम सीधा लाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच पर मार्क करने के बाद जो नीचे लाइन है इस पर यहाँ पर कर्व शेप दे देंगे, हल्का से राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए मेरा ये 2 पार्ट का है। अब इसकी हम नीचे में जो नीचे पार्ट है इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे। पहले इसको स्टिच करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर एक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी दोनों साइड में इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक लगाने से पहले हम पूरा इसकी मेजर कर लेंगे। इसे मेजर करने से 8 इंच आ रहा है, तो हमें 8 इंच से 2-3 इंच का कम इलास्टिक को काटना है। जैसे हमने लिए हैं 5 इंच का इलास्टिक दोनों साइड के लिए। अब इसको हम अटैच करेंगे इसके साथ। अब स्टिच करने के लिए हमें इस तरह से मोड़ लेना है इलास्टिक और कपड़े को एक साथ। इसके बाद हम इलास्टिक को कपड़े के साथ अटैच करते जाएंगे खींचते हुए। दोनों ही साइड में इलास्टिक डालते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब चाहो तो बिना इलास्टिक के भी ये कर सकते हैं। अगर आपको इलास्टिक नहीं डालना हो तो आप सिर्फ सिंपल फोल्ड कर दें यहाँ पे इस तरह से। सिर्फ डबल फोल्ड करना है। अब ये करने के बाद हमें इसको फिर से एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके स्टिच कर देना है दोनों ही साइड में, इसी तरह करना है। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसकी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब ये स्टिच हो जाने के बाद अब इसके ऊपर जो साइड है दोनों साइड अब इसको हम स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह आप बड़े साइज़ का पैंटीज भी बना सकते हैं। सिर्फ मेजरमेंट अलग होगा लेकिन मेथड सेम ही होगा। इस तरह हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे दोनों साइड का। ये स्टिच हो जाने के बाद अब हम कमर में इलास्टिक लगाएंगे। कमर में इलास्टिक लगाने के लिए जितना मेरा कमर होगा उससे 4-5 इंच कम रख के इलास्टिक को काटना होगा। पहले हम इलास्टिक को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसके सेंटर पे मार्किंग करेंगे ताकि हमें जब स्टिचिंग करें तो स्टिचिंग करने में इजी रहे। अब इसे हम स्टिच कर लेते हैं। जिस तरह हमने नीचे स्टिच किए हैं इसी तरह हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। पहले हम एक फोल्ड करके इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करते जाएंगे इस तरह। को सेंटर में जो मार्क किए हैं तो जो सेंटर है इसको सेंटर तक लाना है। इस तरह हम इलास्टिक डाल के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इलास्टिक को अटैच करने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर और एक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। जिस तरह हम कर रहे इसी तरह हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये पैंटी बनाना बहुत ही इजी होता है और ये बहुत टाइप्स के बनते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर आपके साथ ये शेयर करूँगी। वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास में बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।